हाँ तो बच्चों, हम अपने चौथे पाठ पे थे। आज हमें अपने चौथे पाठ के अभ्यास प्रश्न किए करने हैं। आगे चलते हैं। हमने चौथे पाठ में क्या किया था? वर्ण पढ़े थे और मात्राएं, वर्णों के भेद पढ़े थे, वर्णमाला। वर्णमाला किस किस से बनी थी? स्वर और व्यंजन का सही बद क्रम से लिखने को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो तरह के थे। और हमने क्या किया? मात्राओं के बारे में कहा, पढ़ा था। और मात्राओं को कैसे लिखा जाता है, इसका भी हमने गृह कार्य दिया था। उम्मीद है कि आपने इसको कर लिया होगा। आज हम लोग पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो जैसा मैं कहता हूँ हर बार की तरह, जिनके पास व्याकरण की पुस्तक होगी वो सीधा पुस्तक में कर सकते हैं, लेकिन बहुत से बच्चों के पास पुस्तक नहीं है, वे इसको एक नोटबुक में करेंगे ताकि जब पुस्तक मिले तो लिखने में और करने में आसानी रहे। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित व्यंजनों में मात्राएं जोड़कर नए शब्द बनाओ। तो व्यंजन दे रखा है और मात्रा दे रखा है, इसको जोड़ के हमें नए शब्द बनाने हैं। पहला पुस्तक में ही हल कर दिया गया है, जैसे च हलंत जमा पड़ा उ, क्या बनेगा? चू। और इसमें चूड़ी लगा के नया शब्द बना दिया गया है। उसी तरह अगला है हमारा, ग हलंत जमा बड़ी ई, तो ये शब्द किससे शुरू होगा बच्चों? गी से। ग में बड़ी ई की मात्रा लगेगी तो गी से। गी, अब इसमें नया शब्द बना सकते, गिदड़ लिख सकते हैं, जीव होता है जानवर। गिदड़। उसी तरह अगले पे चलते हैं। अगला है न हलंत जमा आ, म हलंत आधा म जमा आ, तो ये बनेगा माँ। पहला शब्द किससे बना? माँ, तो माँ लिखते हैं। माँ ला, तो माँ से हमने एक सरल सा शब्द बनाया है, माला। अगला वाला थ हलंत तथा ए, तो ये बनेगा थे से शब्द, इसको लिखते हैं। थैला, थैली, दोनों से सही हो सकता है, तो ये शब्द है थैला। उसी तरह अगले भाग पे चलते हैं इसके। स हलंत ओ, तो पहला शब्द क्या बना? सो। सोना एक धातु होती है, बहुमूल्य धातु होती है, इसको लिखते हैं। सोना। अगला है क हलंत जमा छोटा ऊ, तो ये बनेगा, पहला शब्द बनेगा कु, तो कु से कुर्सी।
तो कुर्सी। अगला शब्द चलते हैं बच्चों, र हलंत जमा ए। तो पहला शब्द बनेगा रे से, रेल। रेल अच्छा उदाहरण है, हम लोग रेल ही लिख देते हैं, रेल। अगला है ब हलंत जमा ई। तो पहला शब्द बनेगा बी। तो बी, बी से बिहार, एक राज्य का नाम है, उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है बिहार, तो उसका हम लोग बिहार ही लिख देते हैं। तो हमने देखा कि व्यंजनों में मात्रा जोड़कर नए शब्द बनाए जा सकते हैं, ये काफ़ी सरल था। हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें चित्र देख दिए हुए हैं और खाली स्थान पर स्वर लिखना है। स्वर कैसे लिखते हैं बच्चों? मैंने बताया था स्वर दो तरह से लिखे जा सकते हैं, एक स्वतंत्र रूप से और एक मात्रा के रूप से। तो ये हमारे इस पे स्वतंत्र रूप से लिखे जाने वाले ही सारे हैं। तो देखते हैं कैसे लिखें हम इसको। पहला वाला, पहला चित्र है औरत का, और तो इसको लिखते हैं ओ। अगला है एड़ी, ए एड़ी। उसके बाद चलते हैं ऊंट, बड़ा ऊ, ऊंट। एक और है हमारा आम, आम। अब हम अपने तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ हमने ध्यान दिया, हमने क्या ध्यान दिया इसमें, कि जो हैं स्वर हैं वो स्वतंत्र रूप से लिखे गए हैं। तीसरे प्रश्न में चलते हैं, अब ये स्वर हैं मात्रा के रूप में लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है इसके हाथ में हंसिया है, अरे हल रखा हुआ, हल पकड़ रखा है, ध्यान से देखो बच्चों। तो ये क्या है, किसान है। किसान कौन होता है? जो खेती करता है, जो सबके लिए अन्न उगाता है। तो इसमें हम कौन सी मात्रा लगाएंगे? हाँ सही कहा आपने, छोटी ई की मात्रा। किसान। अगला है ये मटका है, आ की मात्रा लगा सकते हैं या इसको मटकी भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना बच्चों। मटका अगर लिखेंगे तो आ की मात्रा लगाएंगे, अगर हम इसको मटकी लिखेंगे तो बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। तो हम इसको आ लगा के इसको मटका लिखते हैं, ये बन गया मटका। मटका में पानी रखते हैं, ये तो आपको पता है। अब चलते हैं अगला है, लिखा क्या है, गिलास। तो हिंदी में गिलास बोलते हैं, तो ये छोटी ई की मात्रा लगेगी।
तो ये हो गया गिलास। हमारा एक जीव और छूट गया है, ये है शेर। ये क्या था बच्चों? शेर। तो ए लगेगा, ए। हम इस पे ए की मात्रा लगाते हैं तो बन गया शेर। क्या बन गया बच्चों? शेर। अगले प्रश्न पे चलते हैं, काफी सरल है। इस पाठ के सारे प्रश्न हमने देखे कि बहुत ही सरल हैं, इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इसको आगे हल करते हैं। अगला चित्र है माला का, तो ल में किसकी मात्रा लगेगी बच्चों? आ। आ की मात्रा लगेगी। आ क्या होता है? हाँ, एक स्वर है, तो मात्रा हमें लगानी है आ की। मा ला। अगला है चित्र एक विशाल जानवर का, हाथी का। तो हाथी कैसे लिखते हैं? ह में आ की मात्रा, ह में आ की मात्रा, और थ में किसकी मात्रा लगेगी बच्चों? बड़े ई की मात्रा। तो हाथी। कैसे पढ़ेंगे इसको? हाथी। अब आ जाते हैं अगले चित्र पे, जो एक सेब है। सेब पे ए की मात्रा लगाएंगे, इसको सेब। सेब कैसे पढ़ते हैं बच्चों? सेब। स पे ए की मात्रा और ब। अगले पे चलते हैं, अगला हमारा है चित्र इमली। ल पे बड़ी ई की मात्रा, इमली। ल पे बड़ी ई की मात्रा। हाँ, तो ये था हमारा अभ्यास प्रश्न। अब हम एक क्रियाकलाप पे देख लेते हैं। एक क्रियाकलाप क्या है? आप इस समय घर पे खाली बैठे होंगे, आप अपने भाई बहनों के साथ ये अंताक्षरी खेल सकते हैं। इसके लिए कैसे करना है? अपने कमरे में जहाँ बैठे हो, पढ़ने के कमरे में अलग अलग वस्तुओं की तालिका बनानी, उनके नाम लिख लेने हैं, और उसके बाद क्या करना है? ये खेल है बच्चों, क्रियाकलाप। इसको नोटबुक पे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको कर लेना नोटबुक पे नहीं, ऐसे ही रफ कॉपी में ही करना है इसको। तो क्या करेंगे हम लोग? अपने कमरे में जो जो जी वस्तुएं हैं उनकी, उनको लिखेंगे, उनकी तालिका बना लेंगे, और फिर मात्रा का खेल है। बताना हो कि जैसे आपके कमरे में किताब है, आपने किताब लिखा, तो फिर अपने भाई या बहन से पूछेंगे कि किताब में क पे कौन सी मात्रा लगी है, तो वो बताएगा कि छोटी की मात्रा लगी है कि बड़ी की मात्रा लगी है। तो ये करके देखना है, और आप कितने सही कर पाते हैं, कितने गलत कर पाते हैं, ये आपको करके देखना है। तो ये एक क्रियाकलाप है, इसको खुद करना है आपको। अगला है शब्द बनाने का खेल, ये भी एक क्रियाकलाप है, शब्द रचना है इसमें। मैंने बताया था शब्द जब मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि शब्द बनते कैसे हैं। तो शब्द क्या है? वर्णों के मेल से बनते हैं, लेकिन उनका क्रम सही होना चाहिए।
क्रम सही होगा तभी वो कोई अर्थ दे पाएंगे। अगर उनका क्रम ही सही नहीं होगा तो उनका अर्थ ही नहीं होगा, अर्थ नहीं होगा तो वो एक तरह से शब्द ही नहीं है। शब्द की क्या परिभाषा है? शब्द की परिभाषा है कि वर्णों का वह समूह, वर्णों का वह मेल जो एक सार्थक अर्थ देता है। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता है। तो इसमें ये भी खेल है, कोष्टक में दिए शब्दों की मदद से नए शब्द बनाओ। एक कोष्टक में जो शब्द दे रखे हैं उससे हमें नए शब्द बनाने हैं। पहला है जैसे नामोय, कितने अक्षर हैं इसमें? नामोय। तो इससे क्या हमें संकेत क्या दे रखा है कि ये एक नदी का नाम है। ये किसका नाम है? नदी का। तो हम लोग दिमाग दौड़ाना शुरू करते हैं कि कौन सी नदी है, कौन सी नदी है। फिर हमें समझ आएगा। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, इसका सही क्रम है इसको आगे पीछे लगा के देख लेंगे कि कौन सा है। तो हमें क्या पता चलेगा कि उसका सही क्रम क्या है। तो जैसे इसमें क्या हो सकता है? मोनाय, मोनाय नाम का नदी नहीं है, नामोई नाम का भी नदी नहीं है। तो तीसरा क्या कम्बिनेशन बनता है हमारा? यमुना। यमुना एक नदी है जो गंगा में मिलती है इलाहाबाद में। तो इसको लिखते हैं, पहला वाले का सही उत्तर है यमुना। तो हमने देख लिया पहला वाला यमुना नदी है, संकेत भी इसका सही आ रहा है कि ये नदी है। आगे चलते हैं, फिर से देखो कौन कौन से अक्षर दे रखे हैं। माण राय, सोचो इसके बारे में। तो इसका इसको हम लोग क्रम से लगाते हैं। तो हमने क्या पाया? हमने देखा कि ये तो एक पुस्तक का नाम है। पुस्तक, पुस्तक कौन सी पुस्तक? फिर हमें पता चला अरे ये तो रामायण है। रामायण किसने लिखी थी बच्चों? संत वाल्मीकि ने लिखी थी, जिसमें राम कथा था। तो ये रामायण है। तो हमने देखा शब्द ने शब्द कैसे बनते हैं, वर्णों के सही क्रम से जिनका कोई अर्थ होता है। ये रामायण के जो शब्द अक्षर जो हैं जब आगे पीछे थे तो इनका कोई अर्थ नहीं था। जैसे लिखा है माण राय, माण राय कोई शब्द नहीं है इसलिए उसका कोई अर्थ नहीं था। तो सही है रामायण, हम लिखते हैं रामायण। रामायण, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। फिर तीसरे पे हमारा तीसरा है लम मले या, ये कोई शब्द नहीं बन रहा। लमय लया, संकेत में क्या दे रखा है? ये किसी भाषा का नाम है। भाषा का नाम, तो फिर दिमाग लगाया हमने, इनके क्रम को आगे पीछे किया। तो हमें क्या पता चला? अरे ये एक भाषा का नाम है और यह मलयालम। मलयालम एक भाषा है, केरल में बोली जाती है। तो हम तीसरा वाले का उत्तर लिखते हैं मलयालम। मलयालम, मल या
लम। तो मलयालम एक भाषा है, ये केरल राज्य में बोली जाती है। हाँ तो बच्चों, ये शब्द बनाने का खेल काफ़ी ही रोचक है, काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है इसको करने में। आगे चलते हैं, हमारा चौथा प्रश्न है, कश आर विका, कश आर विका, ऐसा तो कोई शब्द नहीं होता। संकेत में दे रखा है, जो किसी नई चीज़ की खोज करें, नई चीज़ की खोज करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, आविष्कारक, आविष्कार, कुछ नया खोज करता है उसको आविष्कारक बोलते हैं। चलो लिखते हैं, आ विश आधा श है, कल का इसलिए निशान लगाया गया है, कार आविष्कारक, आविष्कारक आविष्कार करते हैं। कैसे? जैसे लाइट बल्ब का, जो घर में बल्ब जलाते हैं, उसके आविष्कारक थे थॉमस एल्वा एडिसन, स्टीम इंजन जेम्स वॉट, ये आविष्कारक, ये नई नई चीज़ों की खोज करते हैं। तो हर किसी भी वस्तु के का अधिकतर किसी ने आविष्कार किया होता है। जैसे आपको पता है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है, टीवी का आविष्कार किसने किया है, तो नई खोज करने वाले को आविष्कार। तो ये आविष्कारक शब्द था, जल्दी समझ नहीं आ रहा था, अगर संकेत नहीं दिया होता तो शायद इसको करने में बहुत परेशानी होती। हम लोग इसीलिए आसानी से कर पा रहे हैं क्योंकि संकेत, हिंट दे रखा, हिंट इज़ गिवन। अब आगे चलते हैं हम लोग, फिफ्थ, राहल लकड़, राहल लकड़, संकेत क्या दिखा है, जो लकड़ियाँ काटता है। ऐसे तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन संकेत से तुरंत पता चल जाता है, लकड़ी काटने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, लकड़हारा। बच्चों लकड़हारा कौन होता है, लकड़हारा लकड़ियाँ काटता है, जंगल से लकड़ियाँ काटता है, सूखी लकड़ियाँ, और उनको बाज़ार में बेच देता है। तो लकड़ी काटने वाले को लकड़हारा बोलते हैं। हम लोग लिखते हैं इसको, तो लकड़हारा। तो हमने पाठ के अभ्यास प्रश्न कर लिए, चौथा पाठ हमारा था वर्ण और मात्राएं। तो हमने आज क्या क्या सीखा उसको एक बार दोहरा लेते हैं। हमने सीखा पहले अभ्यास प्रश्न पे चलते हैं। कि व्यंजन में मात्रा जोड़कर शब्दों का निर्माण हमने सीखा। व्यंजन दे रखे थे, हमें पता है व्यंजन में हल का निशान है, क्यों? क्योंकि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे उदाहरण, च हल का निशान जमा बड़ा ऊ,
किसका निर्माण किया इसने? चू शब्द का निर्माण किया, और चू से हमने चूड़ी बनते देखा। तो चूड़ी एक शब्द है। उसी तरह हमने अगले प्रश्न में क्या देखा? स्वर स्वतंत्र रूप से भी शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से भी शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, जैसे औरत, एड़ी, ऊंट और आम। इसमें हमने देखा कि स्वतंत्र रूप से भी शब्द स्वर जो हैं शब्दों का निर्माण करते हैं, और दूसरा उनका रूप क्या होता है? जब वह व्यंजन के साथ मिलते हैं, मात्रा लगा के शब्द बनाते हैं, जब वह व्यंजन के साथ मिलकर मात्रा के रूप में शब्द बनाते हैं। जैसे हमने इसमें किसान का देखा, किसान का क क्या था? व्यंजन था, और छोटी ई की मात्रा स्वर, तो किसान शब्द बना। मटका, मटका में क में आ की मात्रा लगी है, तो आ क्या था? आ स्वर था। और म ट या क क्या था? म ट क, ये सब व्यंजन थे, तो मटका। तो हमने आज सीखा कि स्वर स्वतंत्र रूप से भी शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, या व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में भी शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। आगे चलते हैं। एक अंताक्षरी के बारे में आज हमने आपको बताया कि अंताक्षरी क्या है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा शब्द बनाने हैं तथा उनकी मात्राएं पहचाननी हैं, और अभ्यास, अभ्यास से ही हम कोई चीज़ सीख सकते हैं। जिस तरह एक चित्रकार अभ्यास करता है, एक संगीतकार अभ्यास करता है, मैथमेटिक्स में भी आप प्रैक्टिस करते हैं, उसी तरह इसमें भी आपको शब्द का अभ्यास करना है। शब्द लिखना आना चाहिए, कौन कौन सी मात्रा लगी है। अधिकतर बच्चों की क्या गलती होती है? छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा, ये गलत लगा देते हैं। तो इसीलिए अंताक्षरी हमने बताई है कि अपने भाई बहनों के सहायता से ये खेल सकते हो। कमरे में जो भी चीज़ दिख रही है आपको, जैसे दरवाज़ा, हैंडल, स्विच, पंखा, बल्ब, खिड़की, बटन, चादर, इन जो भी चीज़, पुस्तक, बैग, इन सब चीज़ों की पहले सूची बनानी है। तो क्या सूची बनाने? आपको शब्द लिखना आएगा, उसके बाद आपको आती है परेशानी मात्राओं की, कि इसमें कौन सी मात्रा लगेगी, जो मैंने मात्रा लिखी है वो सही है या गलत है। तो शब्द निर्माण अभ्यास से आएगा, और अपने भाई बहन के साथ इसको करोगे तो आपको पता चलेगा कि तुम आप सैकड़ों शब्द तो केवल अपने कमरे से ही निकाल लोगे। जैसे फर्श, छत, प्लास्टर, रंग, सफ़ेदी, पेंट, ऐसे शब्द होंगे कि आपको अपने एक जगह बैठे बैठे ही आप सैकड़ों शब्द बना लेंगे। और जब सैकड़ों शब्द बना लिए तो उनकी मात्राएं सही होंगी गलत होंगी, ये अपने भाई बहनों की सहायता से पता करो, और ये अंताक्षरी की तरह इसको खेल सकते हैं। किसने ज़्यादा शब्द बनाए, किसने सही शब्द बनाए, इसके बेस पे हम लोग अंक दे सकते हैं, पॉइंट्स, और फिर इसको खेल की तरह ले सकते हैं। और ये हमारे शब्दों के लिए, शब्द लिखने के लिए, सही करने के लिए अभ्यास का भी काम करेगा। अब आगे चलते हैं। हमारा आज हमने शब्द के बारे में जाना कि शब्द लिखते समय वर्णों का क्रम बहुत ज़रूरी है। अगर यही वर्ण, अगर इनका क्रम आगे पीछे हो जाए तो ये शब्द नहीं बनाएंगे बल्कि वर्णों का समूह बन जाएगा।
शब्द का अर्थ होता है वे कोई सार्थक अर्थ दे, उनका कुछ मतलब होना चाहिए, ये नहीं कि सारे वर्ण रख दिए एक साथ और वो शब्द बन गए, वो शब्द नहीं बनेंगे। तो आज हमने इस खेल से सीखा, जैसे नदियों का नाम, पुस्तक का नाम, भाषा का नाम ढूंढा, ये सब शब्दों की कैसे रचना की जाती है, उनका क्रम सही होना चाहिए, ये हमने जाना, नहीं तो शब्द का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, कल से हम अपने पांचवें पाठ पे आ जाएंगे जो है शब्द। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।